गुड मॉर्निंग। चलो आज हमारा फिफ्थ लेक्चर चल रहा है। क्या चल रहा है? फिफ्थ लेक्चर। तो इससे पहले चार लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था बच्चों, कुछ याद है? बोलो। हाँ, पहले इसमें देखा था हमने वर्णमाला, दूसरे लेक्चर में दो अक्षरी शब्द और तीन अक्षरी शब्द, तीसरे लेक्चर में चार अक्षरी शब्द, और चौथे लेक्चर में हमने देखा था मात्रा ज्ञान। मात्रा को स्वर से हम मात्रा देने के बाद शब्द कैसे बनाते हैं वो हमने देखा था मात्रा ज्ञान। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर चल रहा है। फिफ्थ लेक्चर में हम देखेंगे बारह खड़ी। क्या देखेंगे? बारह खड़ी। तो बारह खड़ी हमने पहले वर्णमाला सीखी थी। वर्णमाला में दो पार्ट पढ़ते हैं, एक बोलो स्वर और दूसरा व्यंजन। तो मैंने आपको स्वर और व्यंजन की डेफिनेशन बताई थी कि नहीं? तो क्या थी बोलो, स्वर की व्याख्या बोलो आप लोग। हाँ, वेरी गुड। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर ये वो अक्षर है जो बिना किसी की सहायता से बोले जा सकते हैं, लेकिन इनमें मात्राएं होती है। क्या होती है स्वर में? मात्राएं। उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन, वेरी गुड। व्यंजन की डेफिनेशन ये है कि व्यंजन को स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तब जाके व्यंजन पूरे होते हैं। यह ऐसे स्वर और व्यंजन की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, है ना? तो चलो इसके साथ हमारी रिवीजन भी हो गई। हाँ, अभी हम देखेंगे बारह खड़ी। तो बारह खड़ी देखने से पहले हम लोग देखेंगे क्या? स्वर। यहाँ पे हमने स्वर लिए हैं और स्वरों की डेफिनेशन भी दी है। हाँ, तो स्वर कौन कौन से है बोलो? से अना, आ से आ, ई से ई, ई से ई, ऊ से ऊ, ऊ से ऊन, रुषिता, ए से ई, ऐ से ऐना, ओ से ओखली, औ से औषधि, अम से अंगूर, आ। देखो ये हुए हमारे तेरह स्वर। तो इनमें से अभी हम कितने स्वर ले रहे हैं? बारह, है ना? तो बारह स्वर लेंगे तब जाके हमारी पूरी बारह खड़ी तैयार है। हाँ, तो चलो आपने पेन पेंसिल लेके बैठे हो, चलो ठीक है। तो सबसे पहले आप लेते हैं ओ की मात्रा। कब ओ की मात्रा लगाने के बाद भी क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? हाँ, ओ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ये है क। क्या बना इससे? क, वेरी गुड। ओ की मात्रा नहीं होती है इसलिए ये बना है क। फिर अब हम देखेंगे आ की मात्रा। क्या देखेंगे? आ की मात्रा। देखो को आपकी मात्रा लगाने के बाद हुआ का। को आपकी मात्रा लगाने के बाद क्या हुआ? का। तो हम देखेंगे को आपकी मात्रा का। अब हम देखेंगे छोटी की मात्रा। क्या देखेंगे? छोटी की मात्रा। तो छोटी की मात्रा यहां से दी जाती है। हाँ, तो कोई की मात्रा की। कोई की मात्रा की। देखो कोई की मात्रा की, वेरी गुड। इसके बाद हम देखेंगे बड़ी की मात्रा। इसके बाद क्या देखेंगे बच्चों हम लोग? बड़ी की मात्रा। तो बड़ी की मात्रा में दूसरी भी लाइन थी, छोटी की मात्रा मीन्स पहले भी लाइन थी और बड़ी की मात्रा दूसरी भी लाइन थी। हाँ, तो कोई की मात्रा
की, क्या हुआ की, वेरी गुड। ई की मात्रा के बाद हम देखेंगे छोटी ऊ की मात्रा, क्या देखेंगे। देखो पहला कार मतलब छोटी ऊ की मात्रा, को की मात्रा कु, इसको ऊ बोलते ना हम, तो को की मात्रा कु, वेरी गुड। देखो ऊ की पहला ऊ की मात्रा। इसके बाद हम देखेंगे बड़ी ऊ की मात्रा, देखो को की मात्रा कु, क्या को की मात्रा कु, को की मात्रा कु। देखो ये छोटी ऊ ही बड़ी हा। इसके बाद हम देखेंगे ए की मात्रा, ए ए जा, देखो को ए की मात्रा के, को ए की मात्रा के, को ए की मात्रा के, वेरी गुड। अभी आई की मात्रा देखेंगे बच्चों हम, को आई की मात्रा, को आई की मात्रा, बोलो कई, क्या होगा ये कई, को आई की मात्रा कई। आई के बाद आया ओ, अब हम देखेंगे ओ की मात्रा, देखो क, को आ की मात्रा और ए, ए की मात्रा हुआ ओ, तो को क्या बोलेंगे बच्चों, क को की मात्रा को, क्या बोलेंगे को, को की मात्रा को, वेरी गुड। अब हम देखेंगे क को औ की मात्रा, क को औ की मात्रा, क्या हुआ औ, इसको क्या बोलते हैं औ, तो इसको क्या बोलेंगे क को औ की मात्रा कौ, क्या बोलेंगे कौ। देखो क को औ की मात्रा कौ। इसके बाद देखेंगे हम अम की मात्रा, क्या देखेंगे अम की मात्रा, क पे अनुस्वार लगाया है ना, क को अम की मात्रा कम और आहा की मात्रा कहा। देखो हमने स्वरों से क्या सीखा, व्यंजन को काना मात्रा लगाना, जैसे मैंने क की मात्रा लगाई वैसे एक बार हम ख की भी लाइन देखते हैं बच्चों, तो बोलो मेरे पीछे ख, ख को आ की मात्रा खा, ख को छोटी की मात्रा खी, ख को बड़ी की मात्रा खी, ख को ऊ, पहला छोटी ऊ का उकार खो, ख को ऊ का उकार खो, ख को एक मात्रा के, ख को आई का मात्रा दो मात्रे लगाने के बाद खाई, ख को ओ का मात्रा खो, ख को औ की मात्रा की मात्रा खा, खम और खा। देखो जैसे हमने क और ख की लाइन बनाई है वैसे मैं वर्कशीट में आपको होमवर्क दूंगी, वैसे आपको लिखना होगा, अभी आपको सिर्फ पढ़ना है देख के। ओके बच्चों बाय।